ये पीटीसी रिले है एग्जैक्टली, ये रिले जो एलजी की है ये तो नहीं मिली है, तो लेकिन ये यूनिवर्सल रिले मिल गई है। तो इसका ये अंदर वाला पॉइंट इसको यूज़ करेंगे, इस साइड वाले पॉइंट को पॉइंट हमने यूज़ करना है, क्योंकि इसमें दोनों पॉइंट यूज़ हो सकते हैं, ये यूनिवर्सल रिले कहलाती है। ये हमारा जो है ना ओवरलोड प्रोटेक्शन थी रिले है, ये बाई मेटल स्ट्रिप टाइप का होता है, इनके ओवरलोडिंग अगर इसमें हो जाए करंट ज़्यादा गुजरता है कंप्रेसर की वजह से नहीं चलता, ओवरहीट होता है, तो ये उसको कट ऑफ करवा देती है करंट को फर्दर डैमेज होने से बचाने के लिए। तो ये पार्ट हमारा कंपोनेंट जो है ये ठीक है। इस टाइम हम करते हैं कि डायरेक्ट हम यहाँ पे इस टाइम पे कंटिन्यूटी इसकी चेक करेंगे, तो इसको कंटिन्यूटी शो करनी चाहिए। जब हमारे फ्रीजर के अंदर कूलिंग हो रही है और थोड़ी टाइम के बाद कोई क्लिक की नॉइस आए, इसके अंदर आवाज़ आए, साउंड आया, तो दिस मीन्स कि हमारा जो ये प्रोटेक्शन है ये इसको शट डाउन करवा रही है करंट को। तो जैसे ये फिर ठंडा होता है, प्रोटेक्शन ठंडी होती है, बाई मेटल स्ट्रिप है, तो दोबारा ये जो है ना क्लिक की आवाज़ आएगी, दोबारा इसको करंट बहाल हो जाएगा कंप्रेसर को, और जैसे ही अगेन ये कंप्रेसर नहीं चलेगा स्टार्टिंग में इसको प्रॉब्लम होगा, तो ये ओवरहीट दोबारा होगा प्रोटेक्शन, और ये क्लिक की नॉइस के साथ इसको कट ऑफ करवा देगा। तो इस वजह से क्लिक क्लिक की नॉइस आएगी थोड़े थोड़े वक्त से, और साथ में आपका जो फ्रीजर है वो कूलिंग नहीं कर रहा होगा, तो इससे साफ जाहिर है कि ये इसका रिले डैमेज हो चुका हुआ है, ये खराब हो चुका है। तो ये हम रिले हम दोबारा लगाएंगे, एग्जैक्ट रिले नहीं मिल रहा था, ये यूनिवर्सल रिले है, लेकिन हम इसका सेम साइड का पॉइंट यूज़ कर लेंगे। सबसे पहले हम ये ओवरलोड प्रोटेक्शन नीचे लगाएंगे, कॉमन वायर है ब्लैक वाली, ये हम नीचे लगाएंगे ओवरलोड प्रोटेक्शन के साथ, और यस पीला तो ये अभी हमने एक एक्सटेंशन वायर छोटी सी तैयार की हुई है, जिसके अंदर ये सेपरेट है दोनों वायर्स, ये इसका करंट चेक करने के लिए किसी भी डिवाइसेस का। और ये हमारे पास मल्टीमीटर है यूनिटी का UT203, इसके अंदर हम एसी एम्पेयर चेक कर सकते हैं, 40 एम्पेयर पे सेट करेंगे, डीसी है इसको एसी के ऊपर शिफ्ट कर देंगे और 00 टेयर कर देंगे इसको, और किसी एक वायर के ऊपर इसको हम टोंग को लगा देंगे, और इसके बाद फिर इसको हम टर्न ऑन करेंगे बटन को। ये देखें ये पहले इनिशियली 4 एम्पेयर आ रहा था, तो इस टाइम पे 0.8 एम्पेयर आ रहा है, तो दिस मीन्स के कंप्रेसर जो है वो स्टार्ट हो गया, इस टाइम पे लोड भी नहीं ले रहा। अगर इस तरह की कोई डिवाइस हमारे घर में खराब है, तो जारी बात है जब भी ओवरलोड कर रहा है तो वो मैक्सिमम एम्पेयर यूज़ कर रहा है, जिसकी वजह से बिल आपका मल्टीप्लाई कर सकता है।